नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न का एक अजीबोगरीब मामला सामने है, जिसमें आरोप है कि पुलिस चौकी इंचार्ज व सिपाहियों ने एक्स आर्मी मैन व वर्तमान में बैंक कैशियर से पैसे वसूलने के चक्कर में मारपीट की और हालत गंभीर होने पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बाद में आजमगढ़ हॉस्पिटल से हालत गंभीर होने पर पीड़ित को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वर्तमान में वाराणसी में निजी ट्रामा सेंटर में इलाज चल रहा है। घटना को लेकर DIG से शिकायत पर उन्होंने SP रूरल से जांच करने का निर्देश दिया। इस पर भारी संख्या में ग्रामीण समेत पीड़ित परिवार SP ऑफिस पहुंच गए। पीड़ित परिजनों के अनुसार धन वसूलने के चक्कर में उनके दूसरे घर में तमंचा बरामद होने का आरोप लगा पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है। मामला आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बनकट पुलिस चौकी अंतर्गत लाडो बलिया गांव का है। पीड़ित अमित चौहान के अनुसार उनके पिता राम प्रसाद चौहान रिटायर आर्मी मैन हैं और वर्तमान में चुनाव हुआ यूनियन में बैंक में कैशियर के पद पर तैनात हैं। 24 जुलाई की रात 8 बजे पुलिस चौकी प्रभारी व 4 सिपाही उनके घर आए और 400 मीटर दूर स्थित दूसरे घर पर तमंचा बरामद होने का आरोप लगा चलने को कहा, लेकिन जब परिजनों ने मना किया तो जबरन उनको अपने साथ ले गए। थाने पर ले जाकर सादे कागज पर अंगूठा लगवाया, मारपीट की गई। जब हालत गंभीर हुई तो खुद उन्हें लेकर आजमगढ़ प्राइवेट अस्पताल आए, लेकिन जब अस्पताल में भर्ती से मना किया गया तो दूसरे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। पुलिस परिजनों को 5,000 रुपये जबरन देकर डिस्चार्ज पेपर पर दस्तखत करने को कहा, लेकिन जब परिजन मना किए तो उनको डराया धमकाया गया। बाद में परिजन वाराणसी में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां अभी भी पीड़ित जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। पीड़ित अमित चौहान जो पीड़ित के पुत्र हैं, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। चौहान है, मेरा नाम अमित चौहान है, ग्राम लाड़ो पोस्ट बनकर डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। क्या हुआ था सर? मेरे घर पे दो चार पुलिस वाले और एक चौकी इंचार्ज बनकट आए थे और मेरे पिताजी से पूछे कि आपका क्या नाम है, तो मेरे पिताजी ने बताया तो वो तुरंत कह रहे हैं कि आप मेरे गाड़ी पे बैठिए। तो वो कहें कि सर क्या बात है, आप बताएंगे तभी तो हम आपके गाड़ी बैठेंगे। तो वो कुछ बताया नहीं, फिर ज़बरदस्ती करने लगे कि नहीं आप बैठिए मेरे गाड़ी पे। तो मेरे पिताजी ने कहा कि जब तक आप बताएंगे नहीं मैं बैठूंगा नहीं। तो वो कहें कि आप चलिए, आप अपने दूसरे घर चलिए, जो जहाँ पूरी परिवार रहती है उस घर से 400 मीटर दूर दो रूम है मेरा, वहाँ कह रहे हैं कि आप वहाँ चलिए। वहाँ जाने के बाद वो लेके गए, गांव के लोग भी इकट्ठा थे और पीछे पीछे गए। जाने के बाद वो लोग सब गाली गलौज देने लगे कि सब गाँव वालों को भगा रहे थे कि यहाँ भागो भागो, भसड़ी वाले गाली दे रहे थे। और फिर वहाँ गए तो दो रूम है वहाँ, एक रूम में ताला बंद था तो उसमें कहें कि ये ताला खोलो। तो हम लोग कहें कि सर 5 मिनट का समय दीजिए, हम ताला खोलते हैं। तो कहें नहीं आप तुरंत ताला खोलो नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। तो मेरे पिताजी ने उसको ईंट से ताला तोड़े और ईंट और ये दरोगा जी और एक अन्य सिविल ड्रेस में थे कांस्टेबल, वो गए अंदर और तुरंत बाहर निकले और ज़बरदस्ती मेरे पिताजी को कॉलर पकड़ के मारते हुए गाड़ी बैठाएं और तुरंत पुलिस चौकी लेके चले गए। क्या कहते हैं? और वो कह रहे हैं कि पिस्टल रखते हो आप, इतना भीड़ थी गांव वालों का। और सर हम लोग पूछे कि अरे दिखाइए सर पिस्टल कहाँ है, तो गाली वाली देने लगे, मारने लगे, भगाने लगे सबको। वो ज़बरदस्ती बैठाएं और तुरंत लेके चले गए पुलिस चौकी। और पुलिस चौकी जाने के बाद हम लोग भी पीछे पीछे, हमारे परिवार के लोग गए तो वहाँ से तुरंत वो अपने प्राइवेट गाड़ी से, जिसका नंबर सर UP 65 DK 23 और इतना याद नहीं है, प्राइवेट गाड़ी से वो लेके थाने पे चले गए। थाने पे जाने के बाद वो ज़बरदस्ती मेरे पिताजी को फर्जी मुकदमे में फंसाना चाहते थे और ज़बरदस्ती उनसे एक पेपर पे साइन करवा रहे थे। क्या करते थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी रिटायर्ड आर्मी पर्सन है और इस समय यूनियन बैंक में SWO पद पे हैं, सिंगल विंडो ऑपरेटर पद पे हैं। तो इसको लेके आप लोगों ने किसी ज्ञापन दिया? मैंने ये पूरी घटना DIG साहब को अवगत कराया है, जिसके मामले में सर मेरा बयान हुआ है, आश्वासन दिए हैं DIG साहब के, जांच आपको न्याय मिलेगा। अब मैं न्याय ही चाहता हूँ। सर कोई रंजिश नहीं थी सर, इसमें अब दरोगा जी जानते हैं और वो थाने में ले गए, उनको इतना मारे हैं कि मेरे पिताजी इस समय वो बेहोशी हालत में सर लाइफ लाइन आए थे लेके पुलिस वाले और उनको लाइफ लाइन में डॉक्टर नहीं मिला, फिर वो लोटस हॉस्पिटल ले गए पुलिस वाले। लोटस हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार हुआ उनका और वहाँ से वो हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिए। तो
बनारस वो चौकी इंचार्ज और दो सिपाही भी उनको लेकर साथ साथ बनारस दबाव बना रहे हैं, मतलब जो है मतलब मुकदमा ना हो। हाँ तो वो सर वहाँ भर्ती करने के बाद दबाव बनाने लगे हैं हमसे, हमारे परिवार वालों से कि देखो केस मत करना, जितना खर्चा आएगा अस्पताल का हम दे देंगे। अब फिर उसके बाद मैंने कहा हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग डीआईजी साहब को ये घटना अवगत कराएंगे। तो वो फिर न्यूज़ में निकलने के बाद ये घटना चौकी इंचार्ज को पता चल गई, तो वो जाके वहाँ के पॉपुलर हॉस्पिटल डॉक्टर को भी दवा बनाने लगे, जिसकी हैं बनाने लगे कि आप हमें लिखित दे दीजिए कि इनको मारा पीटा गया नहीं है। तो हमारे परिवार के और डॉक्टर साहब की बातचीत की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सर न्याय चाहते हैं। पुलिस द्वारा पैसा भी मांगा जा रहा है। हाँ पुलिस पहले पकड़ के ले गई तो पैसे के लिए वो बोली कि हमें पैसा दे दो छोड़ देंगे, तो हम एक लाख रुपया मांगे तो हम लोग इनकार कर दिए। उसके बाद मारे पीटे फर्जी मुकदमा कर